नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आप लोग का एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं वो 13 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। आप लोग का 13 अगस्त से लेकर आज तक आप लोग कितने कैंडिडेट जो हैं आप लोग फिजिकल में क्वालिफाइड हुए हैं, यानी मेडिकल में आप लोग कितने कैंडिडेट जाएंगे, मेडिकल में कितने गुना अभी तक मेडिकल में आप लोगों की लिस्ट लगेगी, मेडिकल में जो भी कैंडिडेट जाने वाले हैं। जैसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल में जितने भी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई किए हैं उन सभी को मेडिकल में चांस दिया जाएगा, जो आप लोगों का नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था। अभी देख लेते हैं कुल कितने बच्चे हैं जो पास हो पाए हैं, और सभी राज्यों का डाटा हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि सभी राज्यों में आप लोगों के कितने बच्चे हैं क्वालिफाई हुए हैं। बाकी आप लोगों की जो लिस्ट है हमारे चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी जैसे ही आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल के सभी के डाटा उपलब्ध किए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सभी का डेली बाई डेली डाटा आप लोगों को कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही आप लोगों का फिजिकल का लास्ट डे खत्म होता है उसी दिन आप लोगों के पास अपडेट आ जाएगी कि आप लोगों के कितने कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई हुए हैं और कितने गुना कैंडिडेट जो कॉम्पिटिशन में बचे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का आखिर कितने कैंडिडेट जो हैं सभी राज्यों में क्वालिफाई किए हैं एसएससी जीडी फिजिकल को, जो मेडिकल में आप लोगों का कॉम्पिटिशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखिए आप लोग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पहले हम इन स्लॉट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी और राज्यों को भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में देखिएगा हम कितनी आप लोगों को कलेक्ट कराने वाले हैं। ये सभी स्टेट हम कलेक्ट कराने वाले हैं, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और बाकी अगर आप लोग किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान से। तो देखिए राजस्थान में अभी आप लोगों का हम आप लोगों को 10 से मल्टीपल में, देखिए अभी आप लोगों को 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, अब फिजिकल में कितने गुना कैंडिडेट बचेंगे वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। राजस्थान में बात करें तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पे क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल के लिए। अभी यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन बचा हुआ है वो 4 के मल्टीपल में आप लोगों का कॉम्पिटिशन बचा हुआ है, यानी 40% जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अभी भी आप लोगों का मेडिकल में 4 गुना कैंडिडेट जो हैं जगह बना पाएंगे, और आप लोगों का उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की कट ऑफ बढ़ेगी। हम ये भी बताएंगे आप लोगों की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आप लोगों का 3.8 के मल्टीपल में कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए पहुंचेंगे वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप लोगों का 3.4 के मल्टीपल में वहाँ पर भी आप लोगों का कॉम्पिटिशन के लिए बच्चे पहुँचेंगे। तो ये तीन स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो है फिजिकल क्वालिफाई किए हैं अभी तक बच्चे। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ का डाटा थोड़ा सा कम है, यहाँ पर 2.9 के मल्टीपल में जो है अभ्यर्थी पहुँचने वाले हैं। और वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो आप उत्तराखंड के लिए 3.1 के मल्टीपल में कैंडिडेट पहुँचने वाले हैं, जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं मध्य प्रदेश में 2.9 के मल्टीपल में। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3.4 के मल्टीपल में कैंडिडेट पहुंचेंगे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 3.8 के मल्टीपल में पहुंचेंगे, और यहाँ पर आप लोगों का 4 के मल्टीपल में कैंडिडेट पहुंचने वाले हैं मेडिकल के लिए। अब ये देखिएगा इसी वे में आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। अब पहले बात कर लेते हैं गुजरात के लिए, तो गुजरात से हमारा जो डाटा है वो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कम कैंडिडेट जो यहाँ पर आप लोग क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पर 2.4 के मल्टीपल में कैंडिडेट जो हैं अभी मेडिकल के लिए पहुंचेंगे, लास्ट जब लिस्ट बनेगी आप लोग की। बंगाल के लिए आप 2.9 के मल्टीपल में कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करेंगे मेडिकल के लिए। कर्नाटक की बात करें तो 2.1 के मल्टीपल में यहां पर सबसे कम डाटा देखने को मिला है क्वालिफाइंग लिस्ट का। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों का 2.5 के मल्टीपल में कैंडिडेट बचे हुए हैं मेडिकल के लिए, और दिल्ली में आप लोगों का 2.6 के मल्टीपल में कैंडिडेट बचे हुए हैं मेडिकल के लिए। तो ये देखिए गुजरात का डाटा हम आप लोगों को दोबारा लिख देते हैं, गुजरात का डाटा था 2.4, वहीं पर बंगाल का 2.9 था, यहाँ पर 2.1 कर्नाटक के लिए डाटा था, पंजाब के लिए डाटा आप लोगों का 2.5 था, और 2.6 आप लोगों का दिल्ली के लिए डाटा था। तो ये आप लोगों का मल्टीपल में कैंडिडेट अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं आप लोगों का मेडिकल के लिए। अब इसी बेसिस में आप लोगों की कट ऑफ कितनी बन सकती है, तो कट ऑफ का देखे बारे हम बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की। इन तीन स्टेट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं पास किए हैं 4 के मल्टीपल में, 3.8 के मल्टीपल में, 3.5 के 4 के मल्टीपल में। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 3.5 का मल्टीपल चला हुआ है अभी तक कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाई किए हैं।
यहाँ पर देखिएगा, अगर फीमेल की बात करें तो आप लोग फीमेल की कट ऑफ जो है 3 नंबर बढ़ सकती है यहाँ पर। और वहीं हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल के लिए आप लोगों की 4 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है। और अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की 3 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। और एससी एसटी के लिए आप लोगों की जो कट ऑफ है वो 2 नंबर बढ़ सकती है, राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश के लिए। अब बात करते हैं और बाकी स्टेट की, जिसमें आता है मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2 नंबर यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकती है। जनरल की बात करें तो आप लोगों को 3 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, और 2 नंबर आप लोगों की ओबीसी के लिए, और 2 नंबर ये आप लोगों की एससी एसटी के लिए कट ऑफ बढ़ सकती है। 1.5 या फिर 2 नंबर आप लोगों की कट ऑफ बढ़ेगी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। अब बात कर लेते हैं गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली की, यहाँ पर आप लोग कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। तो देखिएगा, बात करते हैं गुजरात, बंगाल और कर्नाटक की। तो यहाँ पर जो मल्टीपल था 2.4, 2.9 और 2.1 का मल्टीपल था, ऑन एन एवरेज 2.5 का मल्टीपल चला हुआ था। यहाँ पर जो कट ऑफ है, आप लोग फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1 नंबर तक बढ़ेगी सिर्फ आप लोग की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ। और वहीं हम जनरल की बात करें तो आप लोग की 2 नंबर बढ़ सकती है, और एक या 1.5 जो है आप लोग की ओबीसी एससी एसटी के लिए कट ऑफ बढ़ सकती है। यहाँ पर पंजाब और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 2.5 और 2.6 के मल्टीपल में कैंडिडेट जो हैं अभी तक क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑन एन एवरेज 2.5 का निकल के सामने आता है जो आप लोगों मेडिकल के लिए पहुँचेंगे। मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट अनक्वालिफाई होते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो 1.5 और 2.5 के बीच में ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, 2.5 से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनेगी। और 1.5 पर आप लोगों की जनरल तक जा सकती है। ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 0.5 या 1 नंबर ही बढ़ेगी आप लोगों की कट ऑफ। और फीमेल की आप लोग की इसी तरीके से 1 नंबर या आप लोग की 0.5 नंबर ही आप लोग कट ऑफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मल्टीपल है 2.5 और 2.6 का है। मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट अनक्वालिफाई होते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो मेडिकल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। आर्मी के बाद 2nd नंबर पर मेडिकल, इसी स्टैंडर्ड के मेडिकल को जो है मान्यता दी जाती है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फिजिकल में, जैसे हम आप लोगों को बता रहे थे कि फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट अनक्वालिफाई होंगे, वहाँ पर भी आप लोग बहुतों ने कमेंट किया था नहीं इस तरीके से नहीं है, फिजिकल आसान है, कैंडिडेट के फिजिकल मार पाएंगे। तो उस समय मैंने कहा था कि जुलाई का मंथ है और आप लोगों का फिजिकल जो है वो इस तरीके से कंडक्ट करा जाएगा, जहाँ आप लोगों की गर्मी होगी तो वहाँ पर आप लोगों का जो अनक्वालिफाई का रेट है वो इंक्रीज़ कर सकता है। और ऐसा ही देखने को मिला है। 3-4 अभी तक जो हाईएस्ट डाटा आया है राजस्थान से ही आया है, जहाँ पर आप लोगों के लगभग 4 गुने से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो ये हमने मैक्सिमम डाटा आप लोगों के लिए लिया है कि आप लोग कितने कैंडिडेट अभी तक क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल्स के बाद मेडिकल के लिए। अब ये जितने भी कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई किए हुए हैं, अब ये सभी कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए जाएंगे। और हमारे चैनल पर आप लोगों को और स्टेट का भी डाटा देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप लोगों को इन स्टेटों में जो हमने स्टेट कवर कराई है इनमें आप लोग की स्टेट का नाम नहीं है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे डाटा कलेक्ट करने की और आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के स्टेट के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।